फिर से इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है, किसमें? रोटेटिंग कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? सपोज करो ये एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, ये कॉइल इस तरीके से रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्वेश्चन है, इस कॉइल में अगर n टर्न्स है तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू कितनी इंड्यूस हो जाएगी ये पता। देखो इंड्यूस तो होगी क्योंकि लाइंस के लाइन इसमें फ्लक्स पहले ज्यादा है फिर कम ज्यादा तो होता ही रह रहा है, तो इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगी। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इसमें बोर्ड के अंदर है एक कॉइल है बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर मान लेते हैं यहां पे है, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में शुरू में एंगल कितना है 180। जब कॉइल रोटेट करेगी तो आपको लगता नहीं है एरिया वेक्टर भी साथ साथ रोटेट करेगा, बी वेक्टर तो अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर जब रोटेट करेगा कॉइल के साथ ऐसे, कॉइल कैसे देखो कॉइल घूम रही है तो एरिया वेक्टर के साथ साथ ऐसे मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन में पूरा सर्कल काट जाएगा, तो बी वेक्टर के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा अलग अलग इंस्टेंट में, क्योंकि बी वेक्टर तो अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर जब लूप घूमेगा तो ये पेन भी घूमेगा, तो बी वेक्टर के साथ इसका एंगल बनता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट में। ये बात समझ में आती है? तो कॉइल ऐसे घूमती जा रही है रोटेट करती जा रही है विद कॉन्स्टेंट ओमेगा, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, स्पीड कॉन्स्टेंट है। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए फ्लक्स क्या है, इसका एरिया ए है कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड बी और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो थीटा वेरिएबल ले लिया और नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एन है, तो टोटल फ्लक्स आ गया। कोई डाउट इसमें? फ्लक्स की वैल्यू आ गई इसमें। नेक्स्ट, अब सर्कुलर मोशन के अंदर हमने प्लस वन के अंदर भी किया, स्टैंडर्ड एंगल क्या लिया जाता है सर्कल में, ओमेगा टी, याद है ओमेगा टी, एसएचएम के अंदर भी करते थे ओमेगा टी, वो इसलिए अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है और मान लो यहां से यहां टी टाइम में आती है और मुझे एंगल निकालना है, और एक्चुअल में वो घूम रही है विद कांस्टेंट ओमेगा, तो हम ऐसे करते थे कि कैपिटल टी टाइम, अगर पूरा चक्कर का टाइम कैपिटल टी है तो सेंटर पे एंगल कितना बन जाता है 2π, तो कैपिटल टी टाइम में एंगल 2π, 1 के लिए एंगल 2π बाय कैपिटल टी, यहां से यहां जाने में स्मॉल टी में कितना 2π बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, तो एंगल क्या लेना पड़ेगा ओमेगा टी। रीजन बता रहा हूं ओमेगा टी क्यों लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है किसी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो ओमेगा टी बनेगा, तो एक काम करें थीटा की जगह क्या कर दे ओमेगा टी, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस बोलो क्या होगी माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, यही रूल है फैराडेज लॉ। फाई की जगह क्या पुट करे एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो क्या बच गया डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन ओमेगा टी इनटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी तो वन है, ये आंसर आ गया। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मुझे ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या पुट करनी पड़ेगी 1, और अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या बनेगी एन बी ए ओमेगा, अगर मैं पुट करता हूं तो साइन थीटा को 1 पुट कर देते हैं तो ईएमएफ क्या आएगी मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा। मैक्सिमम ईएमएफ को कई बुक्स ई मैक्स लिखती हैं और कई बुक्स ई नॉट लिखती हैं, एक ही बात है, ई मैक्स दिख जाए या ई नॉट दिख जाए बात एक ही है, इट मीन मैक्सिमम। तो क्या हम ऐसा करें इस फॉर्मूले में ऊपर वाले फॉर्मूले में एन बी ए ओमेगा तो ई नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया ईएमएफ का ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा एन बी ए ओमेगा, और ये जो ईएमएफ है ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है चेंज, तो लिख लेना इसके नीचे एरो डाल के दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, स्मॉल ई इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है यहां तक? तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू आ गई।
अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं इस इक्वेशन को देखते हुए, मैथ्स वाले लोग समझ सकते हैं साइन का कर्व है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें, ई नॉट है। तो देखो ये सही बनाया, तो मेडिकल के लोग समझ लें साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है इसमें, तो ये साइनोसाइडल बोलते हैं इसे, साइनोसाइडल ईएमएफ है। साइनोसाइडल का मतलब जो साइन का फॉर्मूला फॉलो करती है, साइन का फॉर्मूला फॉलो करने का मतलब ये होता है, मेडिकल के लोग समझ लें, नॉन मेडिकल को तो पता होगा कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं और फिर नेगेटिव हो रही है। कैसे, मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट है मान लो 5 वोल्ट है, तो ईएमएफ पहले 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -5, -4, -3, 0। तो आधे साइकिल में ईएमएफ पॉजिटिव है, आधे साइकिल में ईएमएफ नेगेटिव है। हमारे घरों में जो वोल्टेज या ईएमएफ आती है वो ये आती है, कैसे, अगर आधे साइकिल में ईएमएफ पॉजिटिव है आधे में नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि करंट का ग्राफ भी यही बनता है, आधे साइकिल में करंट पॉजिटिव है आधे साइकिल में करंट नेगेटिव है, करंट का सेम ग्राफ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है करंट अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज। तो आधे साइकिल में यानी कि कुछ देर के लिए करंट वायर में इधर जाएगा, कुछ देर के लिए करंट इधर जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि करंट ऐसे जा रहा है वायर में, वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, क्यों होगा उसका आंसर दूंगा अभी, ठीक है यहां तक। और इसमें वोल्टेज कैसे चेंज होगी वायर में, पहले 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इसी डायरेक्शन में, तो उसके बाद 4, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, मतलब करंट एक बार अपनी वैल्यू को ऐसे इंक्रीज करेगा, जीरो कर लेगा, फिर करंट अपनी वैल्यू को ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करेगा और फिर जीरो कर लेगा। तो ऐसे करंट चलता है, कैसे क्यों चलता है उसका भी रीजन बताऊंगा, ऐसे क्यों प्रेफर किया जाता है। बट ये प्रॉब्लम क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक।